हे गाइस, वेलकम बैक टू सीएमए जंक्शन। ये हमारी वीडियो सीरीज फॉर ऑपरेशंस मैनेजमेंट का 10th लेक्चर है, जिसमें हम अपना चैप्टर ऑपरेशंस प्लानिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑपरेशंस प्लानिंग में हम अभी फैसिलिटी लेआउट पढ़ रहे हैं। इसको हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था। इससे पहले, इसके आगे कंटिन्यू करने से पहले, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। जो हमने कैपेसिटी रिक्वायरमेंट टॉपिक देखा था ऑपरेशंस प्लानिंग में ही, इसमें यहाँ पे आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन में 300 लिखा था, इसको आप 380 में चेंज कर लीजिएगा। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसकी मिनिमम कैपेसिटी है उसी को हम बॉटलनेक सेंटर बोलते हैं, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे वो सेकंड हो, चाहे वो थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो। कोई भी सेंटर हो, अगर उसमें मिनिमम कैपेसिटी है तो उसको बॉटलनेक सेंटर बोला जाएगा। ठीक है, मैंने इसको 300 लेके आपको बॉटलनेक सेंटर थोड़ा सा गलत बता दिया था, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। ये 340 वाला आपका क्या कहलाएगा, बॉटलनेक सेंटर, क्योंकि ये चारों सेंटर्स में से मिनिमम आगे प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो 380 है, 360 है, 340, 400 मिनिमम कौन सा है, 340। तो कौन सा है बॉटलनेक सेंटर, सी विल बी ट्रीटेड एज बॉटलनेक सेंटर। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट जो आज हमको टॉपिक करना है, ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लेआउट चॉइसेस हमने पिछली क्लास में ही कवर कर लिया था। आज हम टाइप ऑफ इंडस्ट्री देखने वाले हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ इंडस्ट्री में हमारे पास चार तरह की इंडस्ट्री है। एक है सिंथेटिक, एनालिटिकल, कंडीशनिंग एंड एक्सट्रैक्टर। सिंथेटिक मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि दो या दो से ज़्यादा मटेरियल्स को एक साथ लाके एक नया प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे कि प्लास्टिक, कंक्रीट, जिप्सम एंड कोल को साथ में ला के सीमेंट बनाया जाता है, वैसी इंडस्ट्रीज ये कहलाती है। मतलब एक से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा मटेरियल लेके ये क्या करते हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। एनालिटिकल इंडस्ट्री मतलब सिंथेटिक का जस्ट उल्टा। यहाँ पे क्या होता है, एक मटेरियल रहता है, एक रॉ मटेरियल रहता है, जिससे बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, आउटपुट बनता है। जैसे कि क्रूड ऑयल एक हमारा रॉ मटेरियल है, जिससे कैरोसिन, गैसोलिन, डीजल ऑयल एंड पेट्रोल बनता है। नेक्स्ट आता है कंडीशनिंग, इसको एक बार के लिए छोड़ दीजिएगा। लास्ट देखिए एक्सट्रैक्टिव है। एक्सट्रैक्टिव मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे एक्सट्रैक्शन किया जाता है मटेरियल का, जैसे कि किससे एक्सट्रैक्शन किया जाता है, अर्थ, सी और एयर से। ये इंडस्ट्रीज जैसे समझ लीजिए आप फिश निकाल रहे हैं सी से, ठीक है, अर्थ से आप नीचे पेट्रोल निकाल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या हुई, क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं, तो ये सब क्या हुई, आप एक्सट्रैक्शन का जो काम करते हैं वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आता है। ठीक, लास्ट है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग अगर ऐसे नाम से बोला जाए तो कंडीशनिंग मतलब होता है ऐसा इंडस्ट्री जो कि आपका ह्यूमंस को कंडीशन करना, हम नॉर्मली ऐसे बोल सकते हैं, कंडीशनिंग मतलब ह्यूमंस को कंडीशन करना या फिर उनको कुछ नई चीज़ें सिखाना, सोसाइटी में रहना सिखाना, ये सब कंडीशनिंग कहलाता है। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में देखेंगे तो कंडीशनिंग इंडस्ट्री का मीनिंग क्या है मुझे ये क्लियरली नहीं पता। ये मैंने सब जगह सर्च कर लिया, मुझे ये क्लैरिटी में ये कंडीशनिंग इंडस्ट्री क्या होता है वो नहीं पता चला। पर अगर आप देखें तो इंडस्ट्रीज़ में सिंथेटिक, एनालिटिकल, एक्सट्रैक्टिव के अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ आती हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज़ आती हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ आती हैं, तो इंडस्ट्री में आप उनको भी इसके टाइप में इंक्लूड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है, सारे इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया गया है इंटरमिटेंट और कंटिन्यूस में। इंटरमिटेंट मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि काम करती हैं रुक रुक के, मतलब पहले हमने 100 प्रोड्यूस कर दिए, फिर थोड़े दिन रुक के हमने 100 प्रोड्यूस किए, तो ये कंटिन्यूस नहीं है। ये क्या है, इंटरमिटेंट है, मतलब इरेगुलर इनका वर्क रहता है, अनफिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए इनका वर्क चलता है। कंटिन्यूस इंडस्ट्री मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो कि हमेशा काम करते रहेगी। ठीक है, तो सारी इंडस्ट्रीज़ को इंटरमिटेंट और कंटिन्यूस इंडस्ट्री में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। इसके बाद जो टॉपिक है प्लांट लेआउट प्रिंसिपल्स, ये हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ लेआउट। लेआउट जो है, हमने देखा लेआउट का मतलब क्या है, ग्रुप करना या फिर अरेंज करना मशीन्स को, जो कि आप जिससे आप गुड्स को प्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, ग्रुपिंग डिफरेंट लाइंस में की जाती है। एक पर्टिकुलर लाइन के हिसाब से ग्रुप करना डिपेंड करता है सेवरल फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, कुछ मेथड्स दिए हुए हैं आपको ग्रुपिंग के, या फिर इसको आप टाइप्स ऑफ लेआउट भी बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास टाइप ऑफ लेआउट में है प्रोसेस लेआउट और फंक्शनल लेआउट और जॉब शॉप लेआउट। ठीक है, ये लेआउट क्या है वो देखिए।
प्रोसेस लेआउट को हमने बोला, फंक्शनल लेआउट भी बोला जाता है। ये ऐसा लेआउट है जिसके अंदर आप जब आप जॉब लॉट में मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर बैच प्रोडक्शन करते हैं उस टाइम पे इसको यूटिलाइज किया जाता है। इसको हम प्रोसेस लेआउट भी बोलते हैं। इसके अंदर ग्रुप किया जाता है मशीन्स को, सिमिलर मशीन्स को एक डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप किया जाता है। किसके अंदर? प्रोसेस लेआउट के अंदर। जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिया गया है, मशीन जो कि ड्रिलिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करती है उनको ड्रिलिंग डिपार्टमेंट में डाला जाएगा। मशीन्स जो कि परफॉर्म करती हैं टर्न करने का ऑपरेशंस, टर्निंग ऑपरेशंस, उनको टर्निंग डिपार्टमेंट में डाला जाएगा। और ऐसे ही आप डिवाइड करते जाएंगे सारे मशीन्स को डिपार्टमेंट में, ठीक है। इसी वे में एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग डिपार्टमेंट है जहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग वर्क होगा, पेंटिंग डिपार्टमेंट में पेंटिंग वर्क होगा, मशीनिंग डिपार्टमेंट में आप मशीन्स को डालेंगे, ठीक है। इसका मतलब जो भी लाइक मशीन्स हैं जो कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स रखती हैं, सिमिलर ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स रखती है, उनको आपको एक डिपार्टमेंट में डालना है, ठीक है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, मिलिंग मशीन है तो यहाँ पे 5 नंबर्स ऑफ मिलिंग मशीन है, ड्रिलिंग है मशीन है तो यहाँ पे 9 नंबर्स ऑफ हमारे पास ड्रिलिंग मशीन है, ग्राइंडिंग हमारे पास 5 है ग्राइंडिंग मशीन्स, कटिंग मशीन्स 3 हैं, टर्निंग मशीन्स 9 है, गेयर कटिंग मशीन 1 है और प्लेटिंग मशीन हमारे पास 2 है। तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट वाइज हमने इसको डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल को एक पर्टिकुलर मशीन जो कि फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेगी उसको दे दिया जाता है। फिर वो मशीन आपकी कहीं भी सिचुएट हो सकती है फैक्ट्री में, ठीक है। फिर वो अपना ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद वो रॉ मटेरियल को जितना उसका ऑपरेशन था उसको कंप्लीट करने के बाद वो नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए भेजती है जो कि डिफरेंट मशीन में होने वाला है, और वो डिफरेंट मशीन भी फैक्ट्री के किसी भी पार्ट में सिचुएटेड हो सकती है, ठीक है। तो इस केस में जो प्रोसेस लेआउट होता है उसमें हमारा मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक मशीन से दूसरे मशीन के पास, ठीक है। मटेरियल को कई बार लॉन्ग डिस्टेंसेज भी मूव करने पड़ते हैं या फिर कई बार क्रिस क्रॉस पाथ्स भी मूव करने पड़ते हैं। हर एक स्टेज में मटेरियल जो है वो कैसे लिया जाएगा, दूसरे ऑपरेशन से जो प्रोडक्ट निकला होगा उसको हम आगे लेके जाएंगे एज अ मटेरियल, ठीक है। और ये ऐसा भी हो सकता है कि एक बिल्डिंग से लेके दूसरे बिल्डिंग में आपको लेके जाना पड़े किसी वर्क के लिए, ठीक। अगर मशीन्स जो हैं एक डिपार्टमेंट में होंगी तो उसके कारण क्या होगा, आपको ये पता होगा कि कौन सा वर्क कहाँ होने वाला है। मिलिंग मशीन में मिलिंग मशीन वाले काम होंगे, ड्रिलिंग मशीन में ड्रिल वाले काम होंगे, ठीक है। तो ये सब आप डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सा वर्क कहाँ होगा, ठीक है। अब देखिए, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर मशीन्स एंगेज्ड हैं, समझ लीजिए मिलिंग मशीन की सारी मशीन्स एंगेज्ड हैं, तो उस केस में पार्शली फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो कि इस ऑपरेशन के लिए वेट कर रहे हैं उनको हम स्टोर करके रख सकते हैं और लेटर उसको रीइशू कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। प्रोसेस लेआउट में एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो मशीन्स है वो उनको जो प्रोडक्ट दिया जाता है वो उनको क्या करती हैं, उस प्रोडक्ट को वो अटेंड करती हैं। तो जो भी प्रोडक्ट आप उस मशीन को देंगे, उस डिपार्टमेंट को देंगे, तो वो उस प्रोडक्ट को अटेंड करेगी। मतलब यहाँ जो मशीन्स होती हैं वो कैसी होती है, जनरल पर्पस मशीन्स, ठीक है। हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे अगर मशीन्स एंगेज्ड है तो उनको जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा जब तक वो मशीन्स एंगेज्ड फ्री नहीं होती, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी वर्क आप अलॉट करते हैं हर डिपार्टमेंट को, ऐसा होना चाहिए कि कोई भी मशीन आइडल ना हो, और साथ साथ आपका ऐसा भी होना चाहिए कि कहीं भी आपका बॉटलनेक सेंटर अराइज ना हो, ठीक है। बॉटलनेक सेंटर मतलब मिनिमम कैपेसिटी सेंटर कोई भी नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखिए, जो भी वर्क आपका जो मशीन को अलॉट किया गया है वो कर रही है, वो वर्क स्केड्यूल्ड होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लोडिंग स्केड्यूल के हिसाब से वो वर्क परफॉर्म किया जाना चाहिए। प्रोसेस लेआउट को बेस्ट सूटेड माना जाता है फॉर इंटरमिटेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन। अब जब आप मशीन्स को ग्रुप करेंगे प्रोसेस टाइप के हिसाब से, तो कुछ प्रिंसिपल्स को आपको ध्यान रखना है। पहला तो कन्वीनियंस फॉर इंस्पेक्शन। आप जब भी ग्रुप करें मशीन्स को तो ऐसे आपको ग्रुपिंग करनी है कि उसमें इंस्पेक्शन का कन्वीनियंट हो, ठीक है। सुपरविजन कन्वीनियंस हो। प्रोसेस लेआउट में भी एडवांटेजियसली यूज्ड इन लाइट एंड हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, मेड टू ऑर्डर फर्नीचर इंडस्ट्रीज एंड द लाइक। देखिए, कन्वीनियंस फॉर सुपरविजन होना चाहिए। और एक और चीज़ यहाँ पे बताया गया है, सुपरविजन के लिए कन्वीनियंस मतलब अगर कोई भी मैनेजर या फिर सुपरवाइजर आता है चेकिंग करने के लिए वहाँ पे, तो वो कन्वीनियंटली अपना सुपरविजन का काम कर सकता है, ठीक है। प्रोसेस लेआउट एडवांटेजियसली लाइट एंड हैवी इंजीनियरिंग के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है, ठीक है।
फर्नीचर इंडस्ट्रीज़ के लिए भी ये यूटिलाइज़ किया जा सकता है, और लाइक इंडस्ट्रीज़ के लिए भी आप प्रोसेस लेआउट को यूटिलाइज़ कर सकते हैं. डिस्टेंस बिटवीन डिपार्टमेंट नीड टू बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल. ये अगर आप डिस्टेंस को मेंटेन करके नहीं रखेंगे, शॉर्ट नहीं होगा, तो ये प्रोसेस लेआउट कुछ भी काम का नहीं है. पता चला एक के लिए आप यहाँ पे करा रहे हैं, दूसरे के लिए आपको चार बिल्डिंग छोड़ के जाने पड़ रहे हैं, इतना दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ रहा है, बहुत ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा है, ठीक है. तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए. डिस्टेंस बिटवीन डिपार्टमेंट आपका बहुत ज़्यादा जितना हो सकता है उतना शॉर्ट आपको रखना है, ठीक है. लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ मटेरियल आपको अवॉइड करना है, ठीक. सिमिलर मशीन्स आर ग्रुप्ड इन वन डिपार्टमेंट. हमको पता है किसके अंदर, प्रोसेस लेआउट के अंदर हम सिमिलर मशीन्स को क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं, एक ग्रुप में डालते हैं. डिपार्टमेंट डेम सेल शुड बी लोकेटेड इन अकॉर्डिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस. देखिए हमने बोला सिमिलर मशीन्स को हम कहाँ डालते हैं, एक ग्रुप में डालते हैं, ठीक है. सिमिलर मशीन्स को हमने एक ग्रुप में डाल दिया. सिमिलर मशीन्स को एक ग्रुप में डालोगे वो तो ठीक है, लेकिन साथ साथ आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी आपको स्केड्यूल किसके हिसाब से करना है, उनका सीक्वेंस भी होना चाहिए ऑपरेशंस के हिसाब से. मतलब समझ लीजिए अगर एक स्टील प्लांट है तो ऑपरेशन में पहले आपको स्मेल्टिंग करना है, फिर कास्टिंग करना है, फिर रोलिंग करना है. तो उसी के हिसाब से आपको डिपार्टमेंट सेट करना है. पहले स्मेल्टिंग डिपार्टमेंट रखो, फिर कास्टिंग डिपार्टमेंट रखो, फिर रोलिंग डिपार्टमेंट रखो, ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोडक्ट लेआउट. प्रोडक्ट लेआउट को हम स्ट्रेट लाइन लेआउट भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर लेआउट फॉर सीरियलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बोला, इसको ऐसा भी बोला जा सकता है. प्रोडक्ट लेआउट में आप अरेंजमेंट करते हैं मशीन्स को एक लाइन में, डिपेंडिंग ऑन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन. जो ऑपरेशन है उसके सीक्वेंस में आप क्या करते हैं, मशीन्स को लाइन में रखते हैं, ठीक. मटेरियल डाला जाता है फर्स्ट मशीन में और फिनिश्ड प्रोडक्ट निकलता है आपका लास्ट मशीन से, ठीक. इन बिटवीन पार्शली फिनिश्ड गुड्स मूव फ्रॉम मशीन टू मशीन. देखिए समझ लीजिए आपने ये हमारा मशीन्स है, तो पहले आपने यहाँ से रॉ मटेरियल डाला, यहाँ से आप इसका प्रोडक्ट निकला, फिर यहाँ रॉ मटेरियल डाला, यहाँ से इसका प्रोडक्ट निकला, यहाँ से रॉ मटेरियल डाला, यहाँ से इसका प्रोडक्ट निकला. तो एक ही रॉ मटेरियल सारी मशीन्स में जाता है और लास्ट में आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है. तो जब इस मशीन से ये प्रोडक्ट निकला होगा तो ये पार्शली फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ठीक है. यहाँ से निकला तो भी ये पार्शली फिनिश्ड प्रोडक्ट है, यहाँ जाके वो फुल्ली फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है. तो एक पार्शली फिनिश्ड प्रोडक्ट ही एक मशीन से दूसरी मशीन मूव होता रहता है, ठीक है. आउटपुट एक मशीन का दूसरे मशीन के लिए इनपुट बनता है, जैसे कि यहाँ का जो आउटपुट होगा वो इस मशीन के लिए क्या होगा, इनपुट होगा, ठीक है. ये प्रोडक्ट लेआउट किस में ज़्यादातर यूटिलाइज़ किया जाता है, तो शुगर मिल, शुगर केन, शुगर मिल में यूटिलाइज़ किया जाता है. जैसे कि शुगर केन डाला जाता है मशीन में, और आपका एक मशीन में स्टार्टिंग में शुगर केन डाला और लास्ट में आपका क्या निकलेगा, शुगर एट द एंड प्रोडक्ट बन के आपका निकलेगा. सिमिलरली पेपर मिल में भी बैम्बूज डाले जाते हैं और बैम्बूज से एट लास्ट आपका पेपर बन के निकलता है. प्रोडक्ट लेआउट जो है, इफ़ देर आर मोर देन वन लाइन ऑफ प्रोडक्शन अगर है तो उस केस में आपको उतने लाइंस बनाने पड़ेंगे. जैसे कि एक कंपोनेंट बना रहे तो उसके लिए अलग लाइन, दूसरा कंपोनेंट बना रहे तो उसके लिए अलग लाइन, तीसरा कंपोनेंट बना रहे तो उसके लिए अलग लाइन. प्रोसेस लेआउट में क्या होता है, आप कितने भी कंपोनेंट बनाते जाएं आपको सिर्फ उस डिपार्टमेंट में जो काम के लिए आप देंगे वो डिपार्टमेंट वो काम कर करके देगा, आपको एट लास्ट आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है. प्रोसेस लेआउट में डिपार्टमेंट्स किसके बनते थे, मशीन्स के डिपार्टमेंट, ठीक है. यहाँ पे क्या किसके डिपार्टमेंट्स बनेंगे, आपके कंपोनेंट्स के डिपार्टमेंट बनेंगे, ठीक है. प्रोसेस लेआउट में हम जनरल पर्पस मशीन यूटिलाइज कर रहे थे, यहाँ पे हम स्पेशल पर्पस मशीन्स यूटिलाइज करेंगे, ठीक है. कंसिक्वेंटली द इन्वेस्टमेंट ऑन मशीन इन स्ट्रेट लाइन लेआउट इज हायर देन इन्वेस्टमेंट ऑन फंक्शनल लेआउट. फंक्शनल लेआउट के से ज़्यादा आपका स्ट्रेट लाइन लेआउट में क्या होता है, कॉस्टली होता है, इन्वेस्टमेंट लगता है, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा मशीन्स अलग अलग के लिए अलग अलग मशीन्स रखनी पड़ेंगी, अलग अलग के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से मशीन्स रखनी पड़ेगी. बल्कि आपका जो प्रोसेस लेआउट होता है उसमें आप मशीन्स को एक जगह ग्रुप कर दीजिए और अपना वर्क कीजिए, ठीक है. तो यहाँ पे भले एक मशीन से काम हो रहा है तो यहाँ पे वही काम को आपको तीन मशीन अलग अलग लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट अलग अलग हो जाएगा, ठीक है. कंपोनेंट अलग अलग हैं. नेक्स्ट, ग्रुपिंग ऑफ मशीन शुड बी डन ऑन प्रोडक्ट लाइन. प्रोडक्ट लाइन में अगर आप कर रहे हैं तो ये इसके प्रिंसिपल्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. सारे जो मशीन टूल्स होंगे या फिर अदर टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट होंगे उसको आपको ऐसे प्लेस करना है कि जब उसको डिमांड किया जाए ऑपरेशन के टाइम पे वो उस टाइम पे आपको अवेलेबल हो. सारे ऑपरेशंस इंक्लूडिंग जो भी असेंबली है, टेस्टिंग है, पैकिंग है, वो सब को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा लाइन में, ठीक है. तो ये आपको दिख रहा होगा प्रोसेस लाइन, प्रोडक्ट लेआउट,
प्रोडक्ट लेआउट के हिसाब से ही आपको अगर कोई भी है मतलब असेंबलिंग का भी है, टेस्टिंग भी है, पैकिंग भी है, तो इसको भी आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। मटेरियल आप एक तरफ डालेंगे, मीन्स एक आपका इनपुट होगा मटेरियल, रॉ मटेरियल दे आर रिक्वायर्ड फॉर असेंबली बट नॉट नेसेसरली ऑल एट वन पॉइंट। ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपने मेन रॉ मटेरियल डाल दिया, बीच में आपको कुछ छोटे मोटे रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो जब आपको ज़रूरत पड़ रही है आप उसको उस टाइम पे यूटिलाइज कर सकते हैं। देयर शुड बी नो पॉइंट वेयर वन लाइन क्रॉस अनदर लाइन। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस कॉम्पोनेंट का लाइन यहाँ से क्रॉस करके इधर जा रहा है, कॉम्पोनेंट वन की लाइन को क्रॉस करके जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको कॉम्पोनेंट वन के लिए यही सिंपल सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन यूटिलाइज करनी है, कॉम्पोनेंट टू के लिए दूसरी लाइन यूटिलाइज करनी है, कॉम्पोनेंट थ्री के लिए तीसरी लाइन यूटिलाइज करनी है। ठीक है, प्रोडक्ट लेआउट एडवांटेजियस है, फॉलोड इन प्लांट मैन्युफैक्चर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट ऑन अ मास स्केल। अगर आप कोई स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट मास स्केल में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनके लिए प्रोडक्ट लेआउट बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि इन सारे के लिए अभी ये सब प्रोडक्ट लेआउट ही यूटिलाइज करते हैं। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, केमिकल, पेपर, शुगर, रबर, रिफाइनरी एंड सीमेंट, ये सब अभी क्या यूटिलाइज कर रहे हैं, प्रोडक्ट लेआउट। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेआउट इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड पोजिशन। ये क्या बोल रहा है, ऐसा लेआउट जिसमें आपका मटेरियल एक फिक्स्ड पोजीशन में रहता है। देखिए अगर हम प्रोसेस लेआउट देखें, प्रोडक्ट लेआउट देखें, दोनों में हमारा मटेरियल को क्या हो रहा था, मटेरियल मूव हो रहा था एक प्लेस से दूसरे प्लेस। प्रोसेस लेआउट में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जा रहा था और हमारा प्रोडक्ट लेआउट में एक मशीन से दूसरे मशीन जाएगा। ठीक है, लेकिन जो लेआउट इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड पोजीशन है उसमें आपका मटेरियल एक फिक्स्ड पोजीशन में रहता है, बाकी जो भी आपका समझ लीजिए मेन और मशीन्स है वो प्रोडक्ट जो भी इस पर्टिकुलर मटेरियल में यूटिलाइज होने वाले उनको आप मूव करते हैं। ठीक है, एज द टर्म इटसेल्फ इंप्लाइज फिक्स्ड पोजीशन लेआउट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ मेन एंड मशीन्स मूव होते हैं टू द प्रोडक्ट विच रिमेन स्टेशनरी। प्रोडक्ट हमारा क्या रहता है, स्टेशनरी रहता है और बाकी हमारे मेन एंड मशीन्स मूव होते हैं। इस टाइप ऑफ लेआउट में मटेरियल एक मेजर कॉम्पोनेंट होता है जो कि एक फिक्स्ड लोकेशन में ही रखा जा सकता है। मतलब आपका मशीन्स मेन टूल को मूव करना इतना कॉस्टली नहीं पड़ेगा जितना आपका मटेरियल को मूव करना कॉस्टली हो जाएगा। जैसे कि जब आपका मटेरियल एक समझ लीजिए, जब आप एक अच्छा बड़ा सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, वेरी हैवी प्रोडक्ट, तो उस केसेस में आप क्या करते हैं, मटेरियल आपका एक पॉइंट पे रहता है, एक सिचुएशन में रहता है। ठीक है, और बाकी मेन मशीन्स और टूल्स आपके मूव होते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया है शिप असेंबली, शिप बना रहे हैं बड़ी सी, क्या हर समय आप शिप को मूव करते रहेंगे कि ये वाले मैन के पास, मीन्स एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के पास जाके वो वहाँ पे काम करवाएगा तो वहाँ पे शिप लेके जाओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि शिप क्या होती है, एक हैवी प्रोडक्ट है, बल्कि प्रोडक्ट उसको ट्रांसपोर्ट करना मतलब बहुत ज्यादा हार्टिक हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो इसलिए इनको ये एक फिक्स पोजीशन में रहते हैं, बाकी सारी चीजें यहाँ पे मूव होती रहती हैं। तो मटेरियल आपका एज मेजर कंपोनेंट रहता है तो ये फिक्स लोकेशन पे रहता है, बाकी टूल मशीनरी और मेन या और उसके साथ साथ अदर पीसेस ऑफ मटेरियल जो कि इसमें हम ऐड करने वाले हैं वो सबको हम यहाँ पे लोकेशन पे लेके आते हैं। मूवमेंट ऑफ मैन एंड मशीन टू द प्रोडक्ट इज एडवाइसेबल। ये एडवाइसेबल है, क्यों, मैन एंड मशीन को मूव कर लो आप प्रोडक्ट के पास, आप अपना प्रोडक्ट को वहाँ लेके मत जाओ, क्योंकि ये आपका कॉस्ट ऑफ मूविंग आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर आप प्रोडक्ट को मूव करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, आप मेन एंड मशीन्स को मूव करो क्योंकि उनका कॉस्ट कम पड़ेगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कॉस्ट ऑफ मूविंग द प्रोडक्ट विच इज़ वेरी बल्की। इसको हम स्टैटिक लेआउट भी बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ लेआउट इन द इज फॉलोड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्की एंड हेवी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम इसको यूटिलाइज करते हैं, जैसे कि लोकोमोटर्स, शिप्स, बॉयलर्स, एयरक्राफ्ट एंड जनरेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मिक्स्ड लेआउट और कंबाइंड लेआउट। ये क्या बोल रहा है, इसमें आप एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट लेआउट भी यूटिलाइज करते हैं, प्रोसेस लेआउट भी यूटिलाइज करते हैं, फिक्स्ड लोकेशन लेआउट भी यूटिलाइज करते हैं, मतलब तीनों का मिक्स एक है हमारा मिक्स्ड लेआउट या फिर कंबाइंड लेआउट। ठीक है, इसमें अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसमें क्या बोला गया है कि जो प्रोसेस प्रोडक्ट और हमारा फिक्स्ड पोजीशन है इनको अलग अलग जगह से यूटिलाइज करने से ज़्यादा इफेक्टिव होगा अगर आप इन सबको साथ में यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है कि आपने कंबाइन किया है किसको किसको, प्रोसेस और प्रोडक्ट लेआउट को। यहाँ पे देखिए, पहले आपने रॉ मटेरियल डाला, ठीक है, फॉर कॉम्पोनेंट्स के लिए, तो आपने पहले लेथ्स में डाला, फिर ड्रिलिंग मशीन में डाला, फिर ग्राइंडिंग मशीन में डाला, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया, इसको बोला चाहिए हमारा डिपार्टमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो फिनिश प्रोडक्ट आ गया। इसके बाद यही फिनिश प्रोडक्ट को आपने यहाँ डाला तो यहाँ पे क्या हुआ, लेथ्स, मिलिंग, ग्राइंडिंग,
गेयर कटिंग, ग्रिंडिंग एंड प्लेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका आउट फिनिश प्रोडक्ट निकला। देखिए हम एक कॉम्पोनेंट बना रहे हैं, ठीक है, कॉम्पोनेंट समझ लीजिए ए है। ए का जो रॉ मटेरियल है उसको हमने डिपार्टमेंट वाइज मूव किया। डिपार्टमेंट वाइज मतलब लेथ डिपार्टमेंट में पहले डाला गया, फिर ड्रिलिंग डिपार्टमेंट में डाला गया, फिर ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट में डाला गया। तो इनसे जो रॉ फिनिश प्रोडक्ट आया वो हमने इस कॉम्पोनेंट बनाने के लिए यूटिलाइज किया है, ठीक है। तो कॉम्पोनेंट अब किसके हिसाब से चल रहा है, हमारा कॉम्पोनेंट चल रहा है हमारा प्रोडक्ट लेआउट के हिसाब से। मतलब ये हमारा एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है जिसको बनाने के लिए हम ये सारे चीज़ें यूटिलाइज कर रहे हैं। तो लेथ मिलिंग ग्राइंडिंग गेयर कटिंग ग्राइंडिंग एंड प्लेटिंग ऐसे करके हमने इसको यूटिलाइज किया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लेआउट ऑफ सर्विस फैसिलिटी। इसके अंदर लेआउट किसका हो रहा है, सर्विस फैसिलिटीज का। तो फंडामेंटल डिफरेंस क्या है सर्विस फैसिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लेआउट में, कि जो सर्विस फैसिलिटी होती है exist to bring together customer and service. Normally service facilities में आपको customer और service को दोनों को साथ में लेके आना पड़ता है। गुड्स बनाने में क्या है, गुड्स तो आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चर करते हैं, एट लास्ट आप उसको कस्टमर के पास पहुंचाते हैं। लेकिन सर्विस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विस किसको प्रोवाइड की जा रही, कस्टमर को प्रोवाइड की जा रही। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर अब इस सर्विसेज कब प्रोवाइड कर सकता है, जब कस्टमर साथ में उसके हो। तो टुगेदर ज़्यादातर हमारी जो सर्विस फैसिलिटीज होती हैं उसमें आप क्या करते हैं, ब्रिंग करते हैं टुगेदर किनको किनको, कस्टमर और सर्विसेज को एक साथ, ठीक है। सर्विसेज फैसिलिटी लेआउट शुड प्रोवाइड फॉर ईजी एंट्रेंस टू दिस फैसिलिटीज फ्रॉम फ्री वेज एंड बिजी थोरोफेयर्स। लार्ज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड एम्पली लाइटेड पार्किंग एरियाज एंड वेल डिजाइंड वॉकवेज टू एंड फ्रॉम पार्किंग एरियाज। क्या बोल रहा है, सर्विस फैसिलिटीज में हमको क्या चाहिए कि कस्टमर आए हमारे पास, तो उनके लिए आपको ईजी एंट्रेंस रखना पड़ेगा कि वो फैसिलिटीज के अंदर आराम से आ सकें। फ्री वेज होने चाहिए और बिजी थोरोफेयर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। लार्ज वेल ऑर्गेनाइज और एम्पली लाइटेड पार्किंग एरियाज होने चाहिए आपके पास, और वेल डिजाइन वॉकवेज होना चाहिए जहाँ से आपका कस्टमर आ सकता है जा सकता है, ठीक है, पार्किंग एरियाज तक वो पहुँच सकता है ईजिली। बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिग्री ऑफ कस्टमर कॉन्टैक्ट होता है इसके अंदर, इसलिए टू टाइप्स ऑफ सर्विस फैसिलिटी लेआउट आपके आते हैं। विस दैट दोज दैट आर ऑलमोस्ट टोटली डिजाइन अराउंड द कस्टमर रिसीविंग एंड सर्विस फंक्शन, एंड दोज दैट आर डिजाइन अराउंड द टेक्नोलॉजीज प्रोसेसिंग ऑफ फिजिकल मटेरियल एंड प्रोडक्शन एफिशियंसी। देखिए एज हमको पता है कि कस्टमर कॉन्टैक्ट अलग अलग तरीके से बनता है सर्विस के अंदर। जैसे कि अगर आप बैंक्स में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके अंदर डायरेक्ट कस्टमर कॉन्टैक्ट बनता है विथ ऑफिसर्स जो कि आपके बैंक में बैठे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, those that are almost totally designed around the customer receiving and service function. Customer receive और service function के बीच में directly defined होता है, उनको एक अलग category में रखा गया, जैसे कि banks, ठीक है। और ऐसे अलग category बनाई गई जिसके अंदर आपका technologies भी आती हैं, processing of physical material भी आप यहाँ पर process करते हैं, और production efficiency भी देखते हैं। जैसे कि hospitals, hospitals में customer का contact ज़रूर होता है services के साथ, पर technologies का भी contact होता है उनके बीच में, ठीक है। तो उनको एक अलग ग्रुप में डाला गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास अदर फैसिलिटीज विथ रेफरेंस टू प्लांट लेआउट। देखिए अदर फैसिलिटीज में क्या आएगा, प्लांट लेआउट इन्वॉल्व्स बिसाइड द ग्रुपिंग ऑफ मशीनरी अरेंजमेंट ऑफ अदर फैसिलिटीज एज वेल। सच फैसिलिटीज इंक्लूड रिसीविंग एंड शिपिंग पॉइंट्स, इंस्पेक्शन फैसिलिटी, एम्प्लॉय फैसिलिटी एंड स्टोरेज। नॉट ऑल द फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड इन एवरी पॉइंट प्लांट, रिक्वायरमेंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट विच इज मैन्युफैक्चर्ड इन अ पर्टिकुलर प्लांट। क्या बोल रहा है ये पॉइंट, इसके हिसाब से जो कि आपकी बाकी सारी फैसिलिटीज हैं वो भी आपकी एक अलग से ग्रुप बन सकता है। जैसे कि प्रोसेस लेआउट हमने बनाया, प्लांट ले प्रोडक्ट लेआउट बनाया, ठीक है, उसी की तरह आप इसके अलावा कुछ और फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है रिसीव करने की, शिपिंग पॉइंट क्या होगा, इंस्पेक्शन फैसिलिटीज़ क्या होंगी, एम्प्लॉयज़ के लिए फैसिलिटीज़ क्या होंगी, स्टोरेज फैसिलिटीज़ क्या होंगी, तो ये सब का भी लेआउट आपको ध्यान में रखना। टाइप्स ऑफ लेआउट में अदर फैसिलिटीज़ का भी लेआउट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पॉर्टेंस ऑफ लेआउट। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ लेआउट देखिए, इम्पॉर्टेंस ऑफ लेआउट में हमारे पास पॉइंट्स हैं। सबसे पहले वाला पॉइंट है हमारे पास अवॉइडेंस ऑफ बॉटलनेक। सबसे पहले जब भी आप लेआउट कर रहे हैं तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि बॉटलनेक सेंटर ना क्रिएट हो। बॉटलनेक मतलब ऐसा सेंटर जहाँ पे आपका मिनिमम प्रोडक्शन हो रहा है, मिनिमम वहाँ पे आपका काम हो रहा है। समझ लीजिए हमारे पास चार प्रोडक्शन सेंटर्स हैं ए बी सी डी, एक जगह 300 हो रहा है, एक जगह 340 हो रहा है, एक जगह 360 हो रहा है, एक जगह 380 हो रहा है। सबसे कम कौन सा है, 300 वाला, मतलब वहाँ से प्रोडक्ट फास्ट
प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है वहाँ से, वहाँ से प्रोडक्ट आगे बढ़ेंगे ही नहीं, तो आगे की फैसिलिटी हमारी कुछ भी काम नहीं आने वाली है। तो आप ऐसा करें कि जो हमारा बॉटल नेक है वो एटलीस्ट कम हो सके या फिर उनको अवॉइड किया जा सके, ऐसा आपका लेआउट होना चाहिए। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, नई मशीन उस बॉटल नेक सेंटर में एडअप कर सकते हैं या फिर उनके लिए आप सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसका वर्क आप क्या दूसरे वर्कर से करवा सकते हैं या फिर दूसरे जगह जाके वहाँ से काम करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी एंड कॉस्टली चेंजेस। ऐसे चेंजेस आपके लेआउट में मत कीजिए जो कि आपके अननेसेसरी हैं और जो कि आपके कॉस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप फ्लेक्सिबिलिटी रखें अपने लेआउट में कि अगर कभी भी हमको चेंजेस करने पड़े छोटे मोटे तो उन चेंजेस में आपका ज़्यादा खर्चा ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है बेटर प्रोडक्शन कंट्रोल। प्रोडक्शन कंट्रोल मतलब आपको प्रोडक्शन ऐसा करना है प्रोडक्ट का जिसके जिससे आप एक राइट टाइप ऑफ प्रोडक्ट बना सकें, राइट टाइम पे उसको प्रोड्यूस कर सकें और वो आपका रीजनेबल कॉस्ट में प्रोडक्शन हो, ठीक है। तो एक गुड प्लांट लेआउट एक गुड प्रोडक्शन कंट्रोल आपको प्रोवाइड करता है, ठीक। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जो लेआउट चूज करें वो बेटर प्रोडक्शन कंट्रोल आपको प्रोवाइड करें। बेटर प्रोडक्शन कंट्रोल मतलब राइट टाइम पे राइट टाइप ऑफ प्रोडक्ट और रीजनेबल कॉस्ट में आपको वो अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है बेटर सुपरविजन। अगर आप एक अच्छा प्लांट लेआउट लेके आते हैं तो उसके कारण आपका सुपरविजन भी इंक्रीज होता है दो तरीके से। पहला तो आपका जो सुपरवाइजर है उसको पता होता है कि उसके अंदर कितने वर्कर्स हैं, ठीक है, मतलब उसको कितने वर्कर्स को सुपरवाइज करना है। इसके साथ साथ सुपरवाइजर को एक फुल व्यू भी मिल जाता है कि जो हमारा प्लांट में क्या क्या काम हो रहे हैं उन सारा का एक फुल व्यू आप प्रोवाइड करेंगे लेआउट अगर आपका अच्छा होगा तो। अगर अच्छा लेआउट है तो उसके अंदर सुपरवाइजर को पता होगा कि कितने वर्कर्स को उसको हैंडल करना है। इसके साथ साथ सुपरवाइजर एक फुल व्यू ले सकता है अपने प्लांट का एट वन ग्लांस, ठीक है। तो गुड सुपरविजन के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आप एक अच्छा प्लांट लेआउट लेके आए, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमीज इन हैंडलिंग। इकोनॉमीज ऑफ हैंडलिंग में आपको क्या ध्यान रखना है, इकोनॉमीज इन हैंडलिंग में देखिए हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है उसका 30-40% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपका मटेरियल हैंडलिंग के कारण इंक्रीज हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये कॉस्ट को कट डाउन करना है। इसके लिए क्या कीजिए, जो लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट हो रहा है आपके मटेरियल का एम्प्लॉइज का, ठीक है, उनको आप कम कीजिए, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट को आप अवॉइड कीजिए, इससे क्या होगा आपका मटेरियल हैंडलिंग जो है वो एटलीस्ट थोड़ा बहुत कम होगा, ठीक है। तो मटेरियल हैंडलिंग में क्या देखा हमने कि जो आपका कॉस्ट ऑफ मूविंग द मटेरियल्स हैं वो आपको कम रखना है, ठीक है। ज़्यादा मूवमेंट ना हो तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं लगेगा। नेक्स्ट, इफेक्टिव यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जितना भी रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल है उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कीजिए, इफेक्टिवली यूटिलाइज कीजिए, वेस्टेज को रिड्यूस कीजिए, ठीक। इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय मॉरल। नेक्स्ट, आपको इम्प्रूव करना है एम्प्लॉयज़ का मॉरल। वो कैसे इम्प्रूव होगा, अगर आपके वर्कर्स चीयरफुल हैं कॉन्फिडेंट हैं। वर्कर्स चीयरफुल और कॉन्फिडेंट कब होंगे, जब उनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, एक्सीडेंट्स उसके उनके ऑर्गेनाइजेशन में कम हो रहा हो, उनकी अर्निंग्स इंक्रीज हो, उनको बेटर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो अगर आप एम्प्लॉयज़ का मॉरल इम्प्रूव कर सकते हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के ऊपर एक वाइटल रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो प्लांट लेआउट जो है अगर आप अच्छा लेते हैं तो उसके कारण आपका एम्प्लॉय मॉरल भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल एक ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जिसको उनको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। वो जितना ज़्यादा क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं वो उतना ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, उतना ज़्यादा उनके कस्टमर्स उनसे हैप्पी रहेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। इम्प्रूव्ड यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर। जितने आपके पास लेबर हैं उनको अच्छे तरीके से सही तरीके से यूटिलाइज कीजिए। नेक्स्ट है मिनिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन डिले। जितना हो सके प्रोडक्शन डिले को मिनिमाइज़ कीजिए, क्योंकि ऐसा कॉम्पिटिटर जो कि आपका प्रोडक्शन सही टाइम पे कर रहा है, डिलीवरी सही टाइम पे कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है, वही पर्सन कस्टमर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है तो आपको प्रोडक्शन डिले को मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। मिनिमम इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट। जितना हो सके कम इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट करो, मतलब इक्विपमेंट आपको जितने ज़रूरी है उतने यूटिलाइज तो करो, पर उनको सही तरीके से यूटिलाइज करो ताकि आपको ज़्यादा इक्विपमेंट वही वाले खरीदने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अगर कोई और आपको ज़रूरी
जरूरी है तो उनको आप खरीदने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट यूटिलाइज कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई हो। इसी के साथ हमारा फैसिलिटी लेआउट पूरा थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है। हम अगली क्लास में इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, मीन्स प्रैक्टिकल पार्ट जो है इसका वो कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। सो दैट्स इट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।